सोमवार को कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी अनुपूरक बजट के लिए 4,867 करोड़ रुपए को रखा गया है। वहीं आरटीआई के तहत हस्तांतरित किए जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 1,850 कर दिया गया है, जबकि पहले 1,350 प्रतिपूर्ति दी जाती थी। वहीं सभी बस स्टैंडों यार्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में UGCL में SC के 6 पद बढ़ाए गए हैं, साथ ही लेसा उठान पर स्टाम्प शुल्क भी कम किया गया है। देखिए, मेरे विभाग तो कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन लीसे की बिक्री काफ़ी समय से प्रभावित हो रही थी। लीसा उठान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहां जो मूवेबल एसेट्स थे उन पे स्टाम्प ड्यूटी 5% रखी गई थी, और जो इमूवेबल थे उन पे 2% थी। तो माननीय न्यायालय का आदेश भी था कि इस पर पैरिटी लाई जाए, बराबर की जाए, लेकिन विगत काफ़ी वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो आज कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा। जो काफ़ी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था, उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाया।